हमारे देश में इतिहास की किताबें उठाकर देखें तो जितने भी महान राजा योद्धा हुए हैं उनके साथ उनके घोड़ों की कहानियां भी प्रचलित हैं। उनके घोड़ों की शौर्य गाथाएं पूरे देश में, पूरे विश्व में इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। मारवाड़ी, नुकरा या कोई और नस्ल की बात करें, उन घोड़ों की डिमांड तब भी थी और आज भी है। आज हम एक ऐसे हॉर्स फार्म पर चलते हैं या स्टड फार्म पर चलते हैं जहां 50 से ज्यादा ऐसे घोड़े हैं जिनकी डिमांड पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया में है। वो क्यों है वो आप खुद देखिए। आइए चलते हैं डेरा सच्चा सौदा के रूहशाद हॉर्स फार्म पर। जी बिल्कुल, इस आश्रम में इस फार्म का जो सबसे शानदार घोड़ा है जिसके नाम पर इस फार्म का नाम रखा गया है वो हमारे साथ मौजूद है। पहले तो मैं तो आपको ये बताऊं भी इसका नाम है जो रूहशाद जी, वो गुरुजी ने रखा है जी। गुरुजी ने नाम रख के इसका नाम गुरुजी ने रूहशाद रखा और बाकी ये रूहशाद ही है। बहुत ही खुश दिल है ये। रूहशाद का क्या मतलब हुआ? रूह का मतलब तो आप जानते हैं, सारे जानते हैं। शाद मतलब खुशी जी। इसका नाम गुरुजी ने रखा है और हमने जो फार्म का नाम रखा है वो इसी के नाम के ऊपर ही है जी। फार्म में जो नाम चलता है इसी का ही है। एक तरह का जो मैं बोलूं भी प्रधान है, साढ़े फार्म का प्रधान है ये जी। भाई इसकी हाइट, इसकी उम्र और इसकी फैमिली के बारे में बताएं। एक पंजाब हवोर लाइन चलती है घोड़ों के अंदर। हवोर लाइन, हवोर में एक वड खाना घोड़ा हुआ पहले, ठीक है। उसका नाम ही वड खाना घोड़ा था। उसने एक दो बंदों को काट लिया था इसलिए उसको वड खाना ही बोलते थे। ए, उसका डायरेक्ट बच्चा ही उस घोड़े का डायरेक्ट बच्चा। उस घोड़े के डायरेक्ट बच्चे बहुत कम मिलते हैं। आगे के आगे लाइन तो बहुत चल रही है उसकी, लेकिन डायरेक्ट बच्चे हैं जो उसके बहुत ही कम है। ये उस लाइन का डायरेक्ट बच्चा। और अब इसके बच्चे हैं जो इसकी आपकी हाइट 62 इंच के करीब ही है। जो इसके बच्चे आए हैं 64 इंच 65 इंच के हमारे पास खड़े हैं। अभी 18 मंथ की बच्ची आ तो वो 64 इंच के करीब हो ही खड़ी है इसकी जी। जी उम्र भाई जी इसकी कितनी? उम्र 28 साल होगी जी। 28 साल जी भाई जी। लगता तंदुरुस्त बिल्कुल एकदम, डाइट पूरी आप रखते हो? हाँ जी हाँ, इसका अलग से ध्यान रखता है। इसकी डाइट तो कम करनी पड़ती है। इसका जो बॉडी का खान पान का ऐसा ही सिस्टम है, इसकी डाइट इसको ओवर नहीं देनी पड़ती। और इसकी डाइट कोई टाइम आता है इसको बंद करो, ये डाइट इसकी ज्यादा को मिल रही है जी। तो ये भाई जी कौन सी नस्ल, नुकरा नस्ल है, प्योर नुकरा है, कौन सी नस्ल है ये? ये प्योर नुकरा नस्ल है जी। जो ये हवोर लाइन में है नुकरा नस्ल ही है। इसके फुलकारी जरूर आती है, फुलकारी तो इसका फुलकारी बोल देते हैं, ये डाउट है जो ब्लैक कलर के आते हैं ये आ जाते हैं इनके। एक जो नुकरा ब्लड हवोर लाइन ब्लड लाइन है इसकी आती है। तो भाई जी जैसे इसकी सार संभाल की बात आई तो नहलाने धुलाने और सारी चीज़ों का कैसे व्यवस्था रहती है? नहलाने के लिए सभी घोड़े हैं जो अपने पूल में नहलाते हैं जी। पूल तो हाँ जी, पूल स्पेशल बना हुआ है जी। पूल के अंदर सावे, पूल के अंदर राइडिंग भी करवाते हैं। हाँ जी, पूल के अंदर राइडिंग भी कराते हैं। बाकी इनकी एक्सरसाइज के लिए तो आपको बताया था, अभी वॉकर बना हुआ है तो वॉकिंग वगैरह, इनको लंचिंग वगैरह सब देते हैं जी। तो भाई जी क्या हॉर्स राइडिंग भी आप लोग सिखाते हैं आप? जी हाँ जी, हॉर्स राइडिंग के लिए हमारे पास बंदे रखे हुए हैं, वो सब हर रोज कुछ लड़के आ भी रहे हैं हमारे पास सीखने के लिए। भाई जी इसी की फैमिली की बात करें, आपने बताया कि कुछ बच्चे इसके यहाँ पे भी हैं, तो वो सारी जो है फैमिली जो है अब आगे भी उसकी फैमिली आगे जाती है, ब्रीड होते हैं, तो कैसा रिस्पांस कैसा आता है जो लेके जाता है यहाँ से उसका रिस्पांस कैसा है? आपने ब्रीड की बात की, असल ब्रीडर वही फार्म होता है जिसके घर के बच्चे घर में ही पैदा हों, ठीक है। अब जो हमारे पास नुकरा लाइन के बच्चे हैं, घोड़ियाँ भी हमारे घर की हैं और उनके बच्चे भी हमारे घर के हैं और हमारे घर में ही और बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस ब्लड लाइन का इसका चल रहा है हमारे पास।
जी भाई जी, जो यहाँ से लेके गया आपसे घोड़ा, क्योंकि आप लोग बाहर से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ से घोड़े लेने आते हैं, उनके बच्चे लेने आते हैं, तो वो रिस्पांस कैसा रहता है आपको, कैसा लोग फीडबैक कैसा देते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बॉलीवुड के कुछ भी अपने बंदे आ रहे हैं हमारे पास, बहुत ही माने परमाने हस्तियाँ जो पंजाब में घोड़ा जगत में हैं, वो सारे विजिट कर रहे हैं यहाँ फार्म में आकर। और अंतिम बात इसकी, क्योंकि ये रूशाद इसका नाम रखा है और पूज्य गुरुजी ने रखा है, तो पूज्य गुरुजी के साथ यादें इसकी भी जुड़ी हुई होंगी ज़रूर, तो उसके बारे में कोई याद आपको ताज़ा हो तो वो ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। गुरुजी तो इसका ख्याल तो बहुत ज़्यादा रखते थे, जब शूटिंग वगैरह चलती मैं पिता ने गुरु जी ने बोल रखा था भी बेटा आप ले आया करो इसको, जब भी टाइम लगे आप ले के एक साइड पर खड़ जाया करो, वो हम देखेंगे कब इसको प्रसाद खिलाना। मैं जाता इसको लेके दूर खड़ जाता, तो जब पिताजी उठते अपना जो भी काम करके, तो ये अपने आप आवाज़ लगाता। अच्छा। हाँ जी, आवाज़ लगा के पाँव के साथ मिट्टी निकाल देनी है और मुंह से आवाज़ निकालता, तो पिताजी उसी टाइम बैठे बैठे कहते आ रहे हैं भाई आ रहे हैं, इसको ऐसे आवाज़ लगाते जैसे बंदे को अपने को लगाते हैं, तो फिर पिताजी प्रसाद खिलाते। और काफ़ी बार ऐसे हुआ, एक बार पिताजी इधर आए 20 नंबर मोटर पे, मैं इसको राइडिंग वगैरह करके, तो ये गंदा हो गया नीचे से मिट्टी के साथ गंदा हो गया, तो पिताजी कहते हैं क्यों इसको, क्यों नहीं इतना गंदा क्यों कर रखा है, चल अभी चल इसको पहले नहला साफ कर इसको, इतना ख्याल रखते हैं बच्चों की तरह जी। तो भाई जी, जैसे ये भी सुनने में आया कि ये जो है जीव, क्योंकि पूर्ण सदगुरु की दृष्टि इस पे पड़ गई तो ये तो भाग्यशाली हो ही गया, ये खुद भी जो है जब पूज्य गुरुजी यहाँ आते हैं तो ये नतमस्तक होता है, नारा लगाता है, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल जी, इसका जो काफ़ी बारी गुरुजी के पास भी, वैसे जब इसको बोलेंगे तो ये नारा लगाएगा। अच्छा। अगले घुटने नीचे करके माथा जमीन के ऊपर लगाएगा। तो भाई जी अभी क्या हमारे दर्शकों को करके दिखाएंगे आप? जी जी, तो प्लीज़ ये ज़रूर करके दिखाएं आप हमें कि ये नारा लगा के दिखाएं। जी आप देख सकते हैं कि पीछे ये बहुत शानदार जीव जो है रूशाद, ये नुकरा घोड़ा है, ये आपको नारा लगा कर दिखाएगा कैसे नारा लगाते हैं। जी जी, आपने देखा किस तरीके से इस शानदार जीव ने नारा लगाया है, और बहुत ही खूबसूरत जीव है। एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा इस फार्म का हमारे साथ मौजूद है, उसके बारे में जानते हैं। भाई जी क्या नाम है इस घोड़े का, और हाइट और सब चीज इसके बारे में बताएं। भाई इसका नाम है रोमियो जी, प्योर मारवाड़ी घोड़ा है। मारवाड़ी दे बेच जो भी है इसके कन्ना दा मार्किंग आ, जो यदि मत्थे दा जो पटा वाइट बोल देते हैं उसको, उसकी जो मार्किंग है वो प्योर मारवाड़ी में आती है, और इसका जो स्ट्रक्चर है प्योर मारवाड़ी घोड़ों में के अंदर आता है। ठीक है जी, ये जेड ब्लैक है और सिर्फ मत्थे पटा वो भी सीधा बिल्कुल जी, जिससे पहचाना जाता है, इसकी मार्किंग पहचानी जाती है। और जो इसका रिजल्ट आ रहा है अभी हमारे पास, कम से कम इसके 30 बच्चे आ गए होंगे, 25-30 बच्चे आ चुके हैं इसके, तो बहुत ही मत्थे पटा आता है, किसी के दो पैर वाइट आते हैं मत्थे पटा आता है, ज़्यादातर मत्थे पटा ही आता है। और इसका बस हाइट है 65 इंच के करीब। तो भाई जी डाइट का क्या रहता है, बहुत खूबसूरत है घोड़ा ये, और हाइट के हिसाब से लेंथ के हिसाब से जिस तरीके से आपने बताया तो सामने नज़र आ रहा है, और जितनी खूबसूरत इसकी जो फ्रंट लुक मुझे नज़र आ रहा है, उतना ही इसके कान और ये सारी चीज़ें जो एक परफेक्ट घोड़े में, या आप कहें कि एक मारवाड़ी जो प्योर मारवाड़ी होता है, वो उसमें सारी क्वालिटीज़ इसमें नज़र आती है। डाइट में भाई जी ऐसे इसको हर 3 महीने के बाद इसको डाइट में चेंजिंग आती है, हर 3 महीने के बाद मौसम के हिसाब से डाइट चेंज करते हैं। जैसे अब सर्दियाँ अपने गर्मियाँ चल रही है, इसको चना तो चलते ही रहता है, चना चलता है, अब जौ हो गए, जई होगी, सरसों का तेल हो गया, ये जाके 10वें महीने में बंद हो जाएंगे, फिर सरसों के तेल की जगह पे देसी घी आ जाएगा, और जमी जौ बंद हो जाएंगे, उसमें सोयाबीन ऐड हो जाएगी, ऐसे डाइट के अंदर तो चेंजिंग होती रहती है, हर 3 महीने के बाद चेंज होता रहेगा। भाई जी आपने इसकी फैमिली के बारे में बताया, बच्चे कहाँ कहाँ गए हैं इसके बच्चे, और चूंकि इसकी खुद की हाइट
65 के करीब आप बताते हैं, तो इनके बच्चों की भी हाइट के बारे में बताएं। जी, इसकी आपकी हाइट 65 प्लस है जी। जी 65 प्लस है, और जो इसके बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, आ भी चुके हैं, कुछ बच्चे बाहर राजस्थान में भी हैं, पंजाब में भी हैं, और उनका भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही खूबसूरत है। किसी के मत्थे पटा आता है, दो पाँव पैर वाइट आते हैं, और जो भी इसका बच्चा आता है बहुत ही खूबसूरत आता है। तेजेंद्र भाई जी, इस घोड़ी का नाम रूही है, बड़ा शानदार नाम है। सबसे पहले तो यही पूछूंगा कि नाम किसने रखा इसका? इसका नाम भी गुरुजी ने रखा जी। जी, 3 महीने की थी जब इसका नाम रखा था। इसकी जो मदर है उसका नाम आरूही है। आरूही इसका नाम रूही रखा। अभी अभी एक इसकी बेटी है हुई है, उसका नाम गुरुजी कहते आके रखेंगे। जी जी, ठीक है। और एक इससे पहले इसकी बच्ची हुई है, उसका नाम गुरुजी ने नीरू रखा है। नीरू। तो भाई जी, ये कौन सी नस्ल है? ये भाई पंजाबी ब्रीड है, नुकरा ब्रीड। जी जी जी। तो जिस तरीके से इसकी हाइट है भाई जी, ये अमूमन जो है घोड़ियों में इतनी हाइट नज़र नहीं आती, तो प्रॉपर हाइट क्या है इसकी, और इतनी हाइट होने की वजह भी ज़रूर बताइए। इसकी प्रॉपर हाइट 71 इंच है जी। जो इंडिया में घोड़ियों में इतनी हाइट की घोड़ी बहुत ही कम मिलेंगी, लेकिन हमने देखी नहीं, हो सकता हो कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन इस इतनी हाइट की घोड़ी नहीं है। ठीक है, घोड़ों में तो एक दो घोड़ों की इतनी हाइट है, लेकिन घोड़ी की इतनी हाइट नहीं देखी हमने। एक दो जगह पे स्टड फार्म है, जैसे कड़ैल गांव है, बिलासपुर में है, ठीक है, और इसका जो बाप है मलुके गांव में, अच्छा, उसकी भी हाइट अच्छी है। ठीक है, और घोड़ियों के मैंने हाइट कोई देखी नहीं इतनी। भाई जी, जिस तरीके से हाइट है, तंदुरुस्ती है, तो डाइट ज़रूर इसकी शानदार रहती होगी। जब छोटी थी ना, गुरुजी ने बोला बेटा इसको क्या देता है, मैंने कहा गुरुजी आप बता दो, हम तो नॉर्मल डाइट देते हैं। तो गुरुजी ने उस टाइम बोला बेटा इसको ऐसे कर, छोटी थी उसको, कुछ दिनों की थी, बेटा इसको 10 ग्राम मक्खन से शुरू कर दे, 10 ग्राम जी, अगले दिन 11 ग्राम, ऐसे करता करता मैं साल दो साल ढाई साल में इसको 750 ग्राम मक्खन खिलाया है इसको, जैसे गुरुजी ने बताया। और गुरुजी बताते रहते थे चने डालने हैं, सोयाबीन डालना है, दूध दाद भी बहुत पिलाए। और भाई जी, इसकी डाइट का जिस तरीके से आपने बताया, तो भाई जी क्या दिन का क्या रहता है? जैसे 50 घोड़े हैं आपके पास, तो इनकी डाइट पे जो है कितना मतलब करना चाहिए खर्चा, खर्चे के हिसाब से पूछे, और क्या ज़्यादा डाइट अच्छी देने से भी इनकी तंदुरुस्ती रहती है, या इनको वर्कआउट भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरत है? सबसे पहले तो इसको ना वर्कआउट ज़रूरी है, हर एक घोड़े को। आप खुराक देते हो या ना देते हो वो मैटर नहीं रखता, आप वर्कआउट इसको देते हो वो मैटर रखता है। आप इसको वर्क दोगे, आप इसको रनिंग दोगे, आप इसकी राइडिंग करोगे, तो इसको खाना देना ज़रूरी है, नहीं तो इसको नॉर्मल दाने पे और नॉर्मल चारे पे रखो। और डाइट का ये मानो आप जैसे बोल रहे हो कितना खर्च, 150 से लेके 1000 तक हर रोज़ एक घोड़ा खा जाता है जी। खवाना चाहिए, क्योंकि इनका क्या होता है, आज आप नॉर्मल डाइट दे रहे हो, ये 3-4 बार फ्रेश हो रहा जानवर, लीद वगैरह कर रहा है, आप इसको ज़्यादा दे दोगे 7-8 बार हो जाएगा, वो मैटर नहीं रखता। इसको जितना आप वर्क दे रहे हो उतनी इसको डोज दो, डाइट दो इसको डोज दो, वो क्वालिटी दो, क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत, क्वालिटी। जी भाई, एक बड़ा खूबसूरत और ये घोड़ा है, इसके बारे में और बताएं। अब ये घोड़ा नहीं है जी, अब ये बच्चा ही है जी। ये बिल्कुल आज 18 मंथ का ही है। क्या क्या नाम है इसका? इसका नाम है चेतक जी। ये रूही का ब्रदर है जी। रूही घोड़ी का माँ की तरफ से ब्रदर है, हाफ ब्रदर हो गया रूही का, वैसे सग्गू घोड़े का बच्चा है जी। तो भाई, जिस तरीके से आप 18 महीने का बता रहे हो, तो ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाइट इसकी जा रही है। 63 इंच हाइट कर चुका है जी। Okay. 18 महीने का 63 इंच हाइट कर चुका है ये। ठीक है। अभी इसने तो घोड़ा तो अभी बनने, अभी तो 3 साल के ऊपर जाके फिर घोड़ा बनेगा। तो भाई कोई आइडिया है कहाँ तक जाएगा ये हाइट, कहाँ तक जाए, जिस हिसाब से ये बैन खड़ी है ये, आप आइडिया ला लो। 70 बन के इसकी बैन खड़ी है, तो इसका भी देखो जी, ये प्योर नुकरा है, प्योर नुकरा। इसकी खास बात और क्या क्या भाई?
खास बात जो इसकी अभी 18 मंथ का ही घोड़ा बन चुका है ये। खास बात है ये अपने आप ही खास है जी। इसके पाँव का जो साइज है कि जो खड़नी का इसका गर्दन वगैरह जो भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है जी। इसका स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। ठीक है भाई, और इसकी जो डाइट है भाई उसके बारे में ज़रूर बताएं। इसकी डाइट थोड़ी सी अलग है दूसरी घोड़ियों से, इसकी इसको डाइट अलग देते हैं, इसको हल्की हल्की डाइट करके 3-4 बार देते हैं दिन। ठीक है, इसको दूध वगैरह अब तो बंद कर दिया, लेकिन पहले दूध बहुत पिलाया इसको, कम से कम 4.5 किलो दूध डेली का देते थे। थोड़ा एड्रेस ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को, जो यहाँ आना चाहता है, जो जिसका इस चाहे वो व्यापारी भी है या जिसका शौक भी है, जो आकर इन घोड़ों से घोड़ों को देखना चाहता है और आगे अगर वो ब्रीडिंग करवाना चाहता है तो वो किस तरीके से यहाँ आ सकता है। इसका अपने फार्म का फुल एड्रेस है DSS रूशाद स्टार्ट फार्म, DSS डेरा सच्चा सौदा, रूशाद इसका नाम है, फार्म अपना है जी। और ये मैप पे इसका लोकेशन भरेंगे तो DSS हॉर्स फार्म के नाम पे आएगी। DSS हॉर्स फार्म जी जी। कोई नंबर आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, 8529 0909।